दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद व्लॉग में आपके साथ मुखातिब हूँ। हमने अपने मुर्गी चौक और मुर्गी चौक हमारा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पे vlog.com। तो अभी मैं आपको हौसला देने के लिए छोटी सी बात बताऊं कि एग्जैक्ट पिछले रमज़ान में हमने स्टार्ट किया था 3, एक ट्राई का एक था बस उससे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 74 हो चुके हैं, चिक्स भी और बड़े भी। उसमें बाद में भी कुछ ख़रीदे हैं 4-5, मगर ज़्यादा हमारी अपनी होम ब्रीड ही है। तो इंतहाई नामसाइद हालात, मुश्किल हालात के बावजूद आप कह सकते हैं कि माली तौर पे तंगी होने के बावजूद मैंने इनको बेचा नहीं, उन पर मेहनत की और अब अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह तेज़ी से ये मेरा बढ़ रहा है काम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फेसबुक पेज भी मोनेटाइज हो गया। तो देखें आप लोग थोड़ा सा तावन करेंगे, 3-4 मिनट हमारे लिए निकाल लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी, हम अपने आप को थोड़ा स्टेबल कर लेंगे। इवन मेरे पास इनको रखने के लिए भी जगह नहीं है, बहुत मुश्किल से छोटे छोटे मैंने इनके लिए पिंजरे लाया हूँ बच्चों के लिए, उनको रख के उसमें तो कमरे में रख देता हूँ, वो आपको शायद नज़र आ रहे हैं सामने, तो इन पिंजरों में। और फिर दो तीन थोड़े बड़े हैं, वो भी आप बड़े नहीं कह सकते, वो खुडे या पिंजरे जो भी थे। तो इसके बावजूद अल्लाह का करम है, अल्लाह के ही करम से सारा कुछ होता है, मेहनत तो शर्त है, तो जब भी इसका भी करम के साथ शामिल हो जाता है तो अल्लाह का शुक्र है। यह भी हमारे पास माशाल्लाह आपने इससे पहले देखे वो छोटे बच्चे, वो भी हमने इनक्यूबेटर से वो हैच करवाए हैं। तो माशाल्लाह ये अभी एक ये हमारी मुर्गी, इसमें इसके 9 बच्चे थे, वही मेरे बहुत ज़्यादा परिंदे मरे भी नहीं हैं अल्लाह का शुक्र है, बच्चे ही कुछ मेरा ख्याल है टोटल एक साल के दौरान 7-8 बच्चे वो हुए होंगे, एक्सपायर हुए होंगे। इसके एक ही रात में बस वो बीमारी आई तो एक ही रात में 4 मर गए। दूसरे दिन से फिर मेडिसिन शुरू करी थी अल्लाह का शुक्र है तो ठीक हो गए। ये एक और हमारी पेपर वाइट हीरा के नीचे ही अंडे रखे थे तो इसके ये बच्चे, तो माशाल्लाह बहुत चुस्त चला के आप बच्चे जब भी निकलवाए, जो दोस्त नया नया शौक कर रहे हैं, मैं भी खैर अभी बहुत माहिर तो नहीं हूँ मगर थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें सीखी हैं समझी हैं, बच्चे जब पहली दफ़ा आप वो करें उनको खुराक डायरेक्ट ना दें, 12-14 घंटे के 20 घंटे के गैप के बाद उन्हें अच्छा यानी कहना चाहिए शीरा टाइप तो नहीं, थोड़ा उससे हल्का हो तो गुड़ का वो पानी उन्हें पिलाएं और थोड़ी देर 1-2 घंटे छोड़ दें वो उसके, क्योंकि पेट में इनके अंडे की जो जर्दी होती है वो सारी चली जाती है और वो फिर ये मीठा पानी जो होता है गुड़ वाला उससे वो इनके जर्दी पेट से साफ़ हो जाती है, वो जब साफ़ होती है तो फिर वो इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे। तो अब ये फिर अभी मुर्गियाँ बैठाई हुई हैं कुछ अंडों पे, हमारी एक ये चुलबुली ये भी बैठी हुई है, तो एक ये दूसरी ये बड़ी ख़तरनाक मुर्गी है, करीब भी नहीं जाने देती है, काटती है। इसके नीचे ज़्यादातर 15 अंडे, ये एक और हमारी ब्लैक, इसके 15 रखे थे, 2 इसने और दे दिए थे ऊपर से, अब 17 अंडों पे बैठी हुई है कलो, ये भी माशाल्लाह अच्छी मादी है ये। इसके साथ चौथी एक और मुर्गी बैठी हुई है मैडम, तो उसके वो बैठी हुई है मेरे ख्याल है उसके 14 अंडे हैं उसके नीचे भी ना, सारी 15 ये बैठी हुई है। तो देखते हैं ये 4 मुर्गियाँ क्या रिज़ल्ट देती हैं। तो ये माशाल्लाह देखें मेहनत करें कुछ भी तो हो सकता है, काम तो हो सकता है, मेहनत शर्त है, आप पूरी प्रॉपरली उनको उनकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वैसी करें। तो दोस्तों आज के लिए
मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह किसी नए व्लॉग में हाज़िर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।